हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शेयर्स एंड डिविडेंड्स, जिसके बारे में हाई स्कूल में दिया हुआ है। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कुछ। पहले हम जानते हैं कि शेयर क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर? अगर हम शेयर को हिंदी में लिखें तो शेयर को हिंदी में कह सकते हैं आप हिस्सा, हिस्सा, ठीक, या हिस्सेदारी, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा अगर आप कंपनी से रिलेट करके लगाइए तो आसानी होगी समझने में। कंपनी, किसी ने स्टार्ट किया कोई कंपनी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले जो कंपनी के शेयर्स होंगे वो कुछ लोगों में बांट देगा, ठीक है। शेयर्स, कंपनी के शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। कंपनी के शेयर्स क्या करेगा, कुछ लोगों में बांट देगा, जिससे उस कंपनी में कई लोगों की बराबर हिस्सेदारी हो जाएगी। बराबर हिस्सेदारी हो जाएगी, इक्वल हिस्सेदारी या इक्वल शेयर हो जाएंगे, या फिर कुछ परसेंटेज पे शेयर होंगे, ठीक है। तो ये हो गई शेयर की बात। अब अगर हम जाने कि स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर मतलब जब कंपनी ओपन हुई थी उस टाइम शेयर का क्या प्राइस था, ठीक। उस टाइम शेयर का जो भी प्राइस कंपनी ने रखा था उसको हम कहेंगे फेस वैल्यू। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू, ओके। फेस वैल्यू या फिर कह सकते हैं आप नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। और ये जो फेस वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मींस स्टार्टिंग में शेयर का जो प्राइस था वो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट कि 100 रुपीज रहा होगा, ठीक है। तो जब 100 रुपीज रहा होगा तो वो एक फिक्स प्राइस है, उससे ना ही कम में दिया जाएगा और ना ही ज़्यादा में दिया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, फिक्स प्राइस है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं मार्केट वैल्यू, किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू की, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, फेस वैल्यू पर जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसे हम कहेंगे इंक्रीज मार्केट वैल्यू, अगर लॉस हो रहा है तो इसे हम कहेंगे डिक्रीज मार्केट वैल्यू। क्लियर, ठीक है। अब सुनिए, कुछ कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन क्या है, पहले देखिए, फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, ये लिख के नहीं आएगा कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, लिख के क्या आने वाला क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिखा जाएगा कहीं पर एट पार, ठीक। इसका मीन्स हो गया कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। क्लियर, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ मिल गया क्वेश्चन में अबव पार, क्या अबव पार, ओके, तो इसका मतलब हो गया फेस वैल्यू कम है किससे, मार्केट वैल्यू से, ओके। अगर आपको लिखा हुआ मिल गया बिलो पार तो इसका मतलब है कि फेस वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से। क्लियर हो रही है बात, ओके। आइए अब हम इसको इसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनके फॉर्मूलों के बारे में। देखिए तो फॉर्मूले क्या हैं इसके, देखिए पहला फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट कर देंगे आई से, ओके। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, और नंबर ऑफ शेयर को हम डिनोट करेंगे एन से, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, फिर से सुन लीजिए, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर एन इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ओके। उसके बाद देखिए एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का एक फॉर्मूला है आपके पास एन, एन मींस नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड को आप लिख लीजिए आर डी, ओके, इनटू फेस वैल्यू, ओके। और फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है ना। परसेंटेज रिटर्न, देखिए एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, एंड परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ओके। देन नंबर ऑफ शेयर एन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, नंबर ऑफ शेयर का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। एक फॉर्मूला और जान लीजिए आप, एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑफ वन शेयर, ओके। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट 9,600 रुपीज, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति ने कितना इन्वेस्ट किया है, 9,600 रुपए, ठीक है ना, ऑन रुपीज 100 शेयर्स,
ऑन रुपीज 100 शेयर। देखिए जब भी ऐसे लिखा मिल जाए आपको ऑन रुपीज 100 शेयर, तो ये जो 100 है ये हो गया आपका फिक्स वैल्यू। ये क्या हो गया? फिक्स वैल्यू मींस दैट फेस वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया फेस वैल्यू के बारे में। ऐसे लिख के नहीं आएगा, हो सकता है लिख के भी आ जाए या ना लिख के आए फेस वैल्यू, तो आपको पहचानना होगा। कैसे पहचानना होगा, कैसे आप जानेंगे? तो ऑन रुपीज 100 शेयर्स, ठीक, जैसे ये लाइन दिखती है आपको, आप तुरंत जान जाइए फेस वैल्यू है शेयर की। ठीक है ना, ओके। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एट रुपीज 80, एट रुपीज 80, मतलब फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी हो जा रही है? 80 रुपए। ठीक है, समझ गया आप? फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए एट रुपीज 80, ठीक। इन्वेस्ट किया है हमने कितना? 9600 रुपए, ठीक। और हर शेयर की कितनी कीमत थी? 100 रुपए। एक शेयर की कितनी कीमत थी? 100 रुपए, ठीक है। लेकिन हमने उस शेयर को कितने में लिया है? 80 रुपए में, ठीक है ना। तो ये हो गया 100 फेस वैल्यू, ये हो गया 80 आपका मार्केट वैल्यू, ठीक। मार्केट वैल्यू में ही लिख दे रहा हूं, ओके। आगे देखिए, इफ द कंपनी पेज हिम देन फाइंड 18% डिविडेंड, इफ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड देन फाइंड नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, उसके बाद टोटल डिविडेंड देन परसेंटेज रिटर्न ऑफ शेयर, ठीक है ना। आइए हम कैलकुलेट करते हैं अब नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है कि देखिए एन से हम डिनोट करेंगे पहले तो नंबर ऑफ शेयर को, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला मैंने बताया है, ये देखिए, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। देखिए कितना आसान है, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9600 रुपीज, ठीक। और मार्केट वैल्यू आपको पता चल चुकी है कितनी है? 80। क्लियर, क्लियर हो गया ना? कितना आएगा आपका? 120, मतलब कितने शेयर है टोटल? 120 शेयर है, ओके। हाउ मच शेयर? तो कहेगा 120, ओके। ये आपका एक आंसर हो गया। चलिए आ जाइए टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड सीधे सीधे जान लीजिए, जब भी टोटल डिविडेंड लिख के आ रहा है तो आपको फाइंड करना है एनुअल इनकम। क्या फाइंड करना है? एनुअल इनकम। सीधी सीधी बात जान लीजिए आप, टोटल डिविडेंड जब भी लिख के आ रहा है तो आपको फाइंड करना है एनुअल इनकम। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो एनुअल इनकम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए एन हमने फाइंड कर लिया, एन हमने फाइंड किया ना, ठीक। तो एन आ गया आपका 120, एन कितना आ गया? 120 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब ध्यान से देखिए, द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड, तो रेट क्या है? 18%, फेस वैल्यू क्या है? 100, फेस वैल्यू क्या है? 100। सॉल्व, 120 18% है, इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए, 18 अपॉन 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा 2160 रुपीज, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज रिटर्न ऑफ शेयर, परसेंटेज रिटर्न ऑफ शेयर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, देखिए एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है ना। एनुअल इनकम हमने अभी अभी फाइंड की है, देखिए टोटल डिविडेंड 2160, ठीक है, और आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? 9600 इनटू 100, इसका आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, देख लीजिए कैसे होगा, अपॉन 9600 इनटू 100, ओके। और आपका आंसर आ जाएगा 22.5%, ओके। तो ये हो गए आपके तीनों सम्स इस पर, ठीक है ना। आइए हम एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। हम देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मैन इन्वेस्ट 20,020 रुपीज इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹26, ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹26, मीन्स दैट आपको फेस वैल्यू तो गिवेन कर दिया है उसने, कितनी है? 26, ओके। तो फेस वैल्यू आपकी गिवेन है 26 रुपीज, ओके। देखिए
26 at 10% premium means that जिस शेयर की फेस वैल्यू 26 है, लास्ट में उस पर प्रॉफिट प्रीमियम कितना मिलेगा हमें 10% का, ठीक है, हमें 10% का प्रीमियम भी उस पर मिलेगा, ये प्रॉफिट होगा हमारा, ठीक है। और जो प्रॉफिट या लॉस होता है फेस वैल्यू पर वही हमारी मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं मार्केट वैल्यू। देखिए मार्केट वैल्यू 26 का 10% कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा फेस वैल्यू का 10% अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से, तो यहां से हो जाएगा 2.6 रुपीज, ठीक, 2.6 रुपीज, 26 का 10% 2.6 रुपीज, क्लियर, ठीक है। अब देखिए फेस वैल्यू जो है वो तो है ही, मींस दैट 26 है फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू 26 है, और मार्केट वैल्यू के लिए आपको फेस वैल्यू पर प्रॉफिट चाहिए रहता है, प्रॉफिट कितना हो रहा हमें 2.6 का, मींस दैट हमारी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 28.6 रुपीज, ओके। मतलब हमें अब फेस वैल्यू भी पता चल चुकी है और मार्केट वैल्यू भी पता चल चुकी है, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है द डिविडेंड ऑफ शेयर इज 15%, मतलब हमारा रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, तो आप कहेंगे 15%, ओके। देन फाइंड, और इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 20,020 रुपीज, ओके। अब देखिए कुछ सम्स, देन फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कितने शेयर्स उसने खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, और नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है, देखिए मार्केट वैल्यू आपने फाइंड कर ली, क्लियर, यहां से आप फॉर्मूला रख के आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, सही है। आइए टोटल डिविडेंड हम देखते हैं, टोटल डिविडेंड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल डिविडेंड जैसे ही आ जाए, आप जान लीजिए एनुअल इनकम की बात कर रहा है, और एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स एन इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, इनटू फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां से आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, अगर मैं फाइंड करूं यहां से तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए मार्केट वैल्यू कितनी है 28.6, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 700 शेयर, ठीक है। तो 700 शेयर मींस दैट n इज इक्वल टू 700, n की वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पे, 700 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15%, 15 अपॉन 100, सॉल्व करना है हमें 15% को कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 15 अपॉन 100, फेस वैल्यू कितनी है 26, देन सॉल्व आपका हो जाएगा 2730, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप एक बार 2730 रुपीज, ओके। देन द रेट ऑफ इन्वेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन परसेंटेज रिटर्न, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन परसेंटेज रिटर्न, एक तो आंसर हमारा ये एन आ गया था और एक ये आंसर आ गया, ठीक है। टोटल डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम भी हमने निकाल ली है, अब हमें परसेंटेज रिटर्न निकालना है, और परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक, कि हमारा एनुअल इनकम आ गया है, तो एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन परसेंटेज रिटर्न मींस एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक, ओके। तो एनुअल इनकम आपकी हमने फाइंड कर ली थी यहां पर, ओके, और हमने इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है 20,020 रुपीज, ओके, और हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 100 से, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा 150 अपॉन 11%, ठीक, ओके। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, जय हिंद जय भारत।